नमस्कार दोस्तों, फेस्टिव सीजन के अंतर्गत फ्लिपकार्ट और अमेजन के एप्लीकेशन पर आईफोन 11 सीरीज और आईफोन 12 सीरीज आपको काफी कम प्राइसिंग में देखने को मिलता है। तो यह फोन कैसा होता है और किस तरीके से आपको डिस्काउंट देने को मिलेगा, आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे, बिकॉज मैंने भी आईफोन 12 को ऑर्डर किया है। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे एंड देखिए, तभी आपको यह समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आईफोन 11 हो गया या फिर आईफोन 12 हो गया, दोनों पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देने को मिलता है और डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों एप्लीकेशन पर देखने को मिलता है। लेकिन अमेजन उतना सेफ नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा हुआ कि अमेजन से किया गया ऑर्डर पहला तो डिले आएगा, दूसरा बहुत सारा डाउट भी होता है उस पर। इसलिए मैंने आईफोन 12 को फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से ऑर्डर किया है और काफ़ी कम प्राइसिंग में किया है और यहाँ पर डिस्काउंट भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से ये ऑर्डर हुआ है और क्या मैं डिस्काउंट पे लिया हूँ या फिर किस तरीके से लिया हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है वह फ्लिपकार्ट प्लस अकाउंट है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी स्मार्टफोन आपके लोकेशन पर बहुत जल्द डिलीवर कर दिया जाएगा अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो तो ये चीज़ें काफ़ी इंप्रेसिव हो जाता है। उसके बाद चलिए मैं अपना ऑर्डर दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा किस तरीके से आपको डिस्काउंट लेना है और क्या आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 आपको इतने कम प्राइसिंग में बाई करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, या फिर आपके पास ये जो आईफोन आएगा वह किस तरीके का होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, ये जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है यह मेरा ही है, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। इसके बाद जाता हूँ 3 डॉट पे और 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे जाता हूँ माई ऑर्डर में, और माई ऑर्डर में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो आईफोन 12 ऑर्डर हुआ है 128 GB वाला वेरिएंट, इसका जो डिलीवरी डेट है वो 15 अक्टूबर को बता रहा है। और उससे पहले भी मैंने एक और स्मार्टफोन और एक माइक को ऑर्डर किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्फिनिक्स नोट 10 है, यह 4 अक्टूबर को आ चुका है जबकि ऑर्डर किया गया था 2 अक्टूबर को। उसके बाद यहाँ पर जो आईफोन 12 है इसमें बहुत ज़्यादा डिले लगा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ऑर्डर अभी अभी किया गया है लेकिन बता रहा है इसका जो डिलीवरी है वो 15 अक्टूबर के बाद होगा या फिर 15 अक्टूबर को होगा। और दोस्तों, डिले होने की वजह से आपको कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि डिले होगा तो हो सकता है आपके पास ये फोन पहुंचे आईफोन 12 लेकिन उसमें कुछ डैमेज हो या फिर डुप्लीकेट हो, इस तरीके से भी होता है और कई बार ऐसा केस देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर इसलिए भी किया हूँ ताकि आपको बता सकूं कि सेल के दौरान अगर आप आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 सीरीज को बाय करते हो तो किस तरीके का फोन देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 हो गया, इस पर आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देने को मिल रहा है। मतलब ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने कम प्राइसिंग में आईफोन 11 और आईफोन 12 मिल जाएगा, उतने कम प्राइसिंग में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर जो देख पा रहे होगे कि आईफोन 12 है 128 GB वेरिएंट, इसका प्राइसिंग पड़ा है 57,000। अगर मैं इसे चेक करूं अभी तो यहां पर अभी भी इतने ही प्राइसिंग में है, बिकॉज मैं यहां पर डेबिट कार्ड से पेमेंट किया हूं, इसीलिए मुझे यहां पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। और डिस्काउंट यहां पर मिलता भी है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो यहां पर आपको डिस्काउंट देने को मिलेगा अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है यह मेरे दोस्त के पास था, लेकिन वो बोल रहा था कि मैं अपने अकाउंट से करूंगा तभी मैं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया और अपने डेबिट कार्ड से ही मैंने यहाँ पर पेमेंट कर लिया। और मुझे यहाँ पर पड़ा इसका प्राइसिंग 57,000 और आप यहाँ पर दे सकते हो। और दोस्तों, इसका डिलीवरी बहुत डिले होगा, अगर मैं इस फोन को अमेजन से बाय करता तो उस पर और ज़्यादा डिले होता, बिकॉज अमेजन का जो पॉलिसी होता है वह प्रायोरिटी सबसे पहले अमेजन प्लस मेंबर को देता है, उसके बाद नन प्लस मेंबर को देता है। इसलिए इस फोन को या फिर आईफोन 12 को मैं अगर अमेजन के एप्लीकेशन से ऑर्डर करता तो वो फोन हो सकता है 20 या फिर 21 अक्टूबर के बाद देखने को मिले, इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया। लेकिन फ्लिपकार्ट भी यहाँ पर अच्छा खासा टाइम लेने वाला है, यानी 15 अक्टूबर के बाद ही मिलने वाला है। और मैंने इसे आज ऑर्डर किया है और मैंने इस पर कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं लगाया है। डिस्काउंट न लगाने के पीछे क्या रीजन है वो मैंने आपको बता दिया, और डिलीवरी हो जाने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो सेल में मिलता है आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 वो किस तरीके का होता है, या फिर सेल में आपको आईफोन 11 या फिर आईफोन 12 सीरीज बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारा प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। तो बस आज के इस वीडियो में ही बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।